कोई मूल नहीं है उसका, है ना। यहाँ तक भी चार वर्ण और चार आश्रम में यदि ठीक ठीक से वर्णाश्रम धर्म पालन करें, किंतु यदि भगवत भजन नहीं करें अथवा भगवत कथा में रुचि नहीं रखें तो उनकी सभी व्यर्थ कहा जाता है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पालन केवल मनुष्य में ही दिखा जाता है। किसमें? मनुष्य। वर्णाश्रम धर्म समझ में आता है कि नहीं? कितने वर्ण और कितने आश्रम है बताओ? है चार। क्या है? चार वर्णी और चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और सन्यासी वानप्रस्थी गृहस्थ और ब्रह्मचार्य। ये चार वर्ण और चार आश्रम है। इसके भी अलावा एक भी कहा जाता है, इसे अंतज कहा जाता है। अंतज किसको कहा जाता है? ये वर्णाश्रम में जो पालन नहीं रह करते हैं उसके कहा जाता है अंतज कहा जाता है। ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी सन्यासी के नहीं रहते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी नहीं रहता है, मानी कोई आश्रम धर्म पालन नहीं करते हैं उसके कहा जाता है अंतज कहा जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं ऐसे अंतज यदि भी सत्संग करे, वो भी भगवत धर्म के प्राप्त कर लेते, भगवान को प्राप्त कर लेते। देखो प्रहलाद महाराज कौन से कुल में जन्म लिया था? राक्षस कुल में जन्म लिया है। किंतु आज सब लोग प्रहलाद की पूजा करते हैं, हिरण्यकशिपु की पूजा नहीं करते हैं, उसके पिताजी के कोई पूजा नहीं करते, किंतु प्रहलाद की पूजा करते हैं। क्यों? प्रहलाद भगवत भक्त थे। अच्छा, प्रहलाद भगवत भक्त कैसे बन गया है? बताओ कैसे? गुरु की कृपा। नारद जी के संग से प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं ये, मैं जब मातृ गर्भ में था और उसी समय गुरु नारद जी के संग मुझे प्राप्ति हुई है। सत्संग जे नारद ऋषि के संग कैसे भी ना, हरि कथा है, सब कुछ काम कर लिया किंतु हरि कथा नहीं सुना तो कुछ नहीं। इसे कहते हैं विषक सेन कथा सुजा नोत्पादे जुधि रति श्रम एव ही केवलम। यदि विषक सेन भगवान की कथा में रुचि ना हो और सब कुछ काम कर लिया है और मृत्यु के समय भी भगवत नाम भी नहीं आएगा है। एक व्यक्ति मरने वाला था, उनके चार बेटा था, एक बेटा के नाम था राम और बाकी बेटा के नाम था हाकू बाकू डाकू। संसार में रखते नहीं जैसे, तो वो व्यक्ति मरने के समय अपने जो बड़े बेटा राम था सारे बेटा को बुलाया किंतु राम को बुलाया नहीं, क्योंकि राम नाम उच्चारण नहीं हो रहा वो है। सारे उनके परिवार कहने लगे पिताजी आपके बड़े बेटा के नाम बताओ, बता नहीं पा रहे, और बेटा के नाम हाकू बाकू डाकू सब के नाम बता रहे हैं है। आज किंतु अपने बड़े बेटे राम नाम उच्चारण नहीं, क्यों? इसलिए स्वयं भगवान अर्जुन के कहते हैं सत जन्मई ज पुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, है सौ जन्म जिन लोगों ने वासुदेव भगवान के अर्चन किया, सत जन्मई ज पुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। ऐसे व्यक्ति यानी सौ जन्म जिन लोगों ने वासुदेव भगवान के अर्चन किया उनके मुख में
भागवत नाम उच्चारण हो गया है, इसलिए कहा जाता है। और दूसरी बात है, इस जन्म में आप जो कुछ कर रहे हैं मृत्यु के समय वही आएगा, वही आएगा। भरत महाराज, कुछ दिन मैं भरत महाराज की कथा सुनाया, भजन करने के लिए चले गए है, और भजन करने के लिए गए तो एक हिरण शिशु के प्रति उसकी आसक्ति हो गया है, और मृत्यु के समय कौन आ गया, वही हिरण शिशु आ गया। और दूसरी जन्म में हिरण जनी लेकर के जन्म लेना पड़ा। इतने भजन साधन करके भी हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते इसके हिरण जनी लेना पड़ा, उसी जन्म में चले गए। और जो लोग भजन नहीं करता है और संसार में रहते हैं तो मृत्यु के बाद क्या होगा, इसलिए एक जन्म अभ्यास करो है? एक जन्म अभ्यास करो, भगवत भजन करो है? ये भजन करते करते, नाम भजन करते करते, तब मृत्यु के समय भगवान के स्मरण आएगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले चो माम स्मरणम तजन्ते कलेवरम। अंतिम काल में मृत्यु के समय जो मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं और मृत्यु के पश्चात वही शरीर उसके प्राप्त होता है, है? कुत्ता पालते हैं कोई, इधर नहीं, इधर कोई कुत्ता नहीं पालते, कुत्ते पालते हो है तुम्हारे घर कुत्ता है, सब दोनों पालते हैं, कुत्ता भी और गाय भी। गाय, गाय तो अच्छा है, गाय तो गो माता है, गाय तो पालन करना चाहिए है, क्योंकि गोपालन करने से क्या होता है, गाय के शरीर में है 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, आज समझे नहीं। गाय हिंदू के जो है देवता भी माना जाता है, गो पूजा भी होती है, इधर लोग गो पूजा करते कि नहीं, गो पूजा करते हैं, गो पूजा, स्वयं भगवान भी गाय के पालन किया है, गोपाल, इसलिए कृष्ण के नाम क्या है, गोपाल, माने गो माने गाय, पाल माने पालन किया है, कि कुत्ते के पालन करने चाहिए, कुत्ते कौन पालन करते हैं, अंतज है, शास्त्र में लिखा गया कुत्ते जो है ये अपवित्र माना जाता है, है? इसे यहाँ तो इस जो अच्छी जो मुसलमान है ना वो भी कुत्ते के पालन नहीं करते, जैसे हम मलेशिया जाते हैं है, उधर के मुसलमान जो है कुत्ते के रक्त घर में रखते नहीं है, वो लोग कहते हैं है, वो लोग भी कट्टर मुसलमान है किंतु वो लोग कुत्ते के पालन नहीं करते है, उसे अपवित्र माना जाता है, है? आज नहीं, इसलिए मनुष्य मृत्यु के समय जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ेगा दूसरी जन्म हुई है, ये आपके निर्धारित हो जाता है अगले जन्म में आपको क्या शरीर मिलेगा है, क्या शरीर मिलेगा आपको बताओ है, किस में आ सकती है, भक्ति में, भगवान में आ सकती है। जाओ इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले चो माम स्मरण, अंत काल में जो मुझे स्मरण करके है शरीर छोड़ देंगे वो मुझे ही प्राप्त कर लेंगे है। इसलिए मृत्यु के समय दो अक्षर मुंह से निकल जाए, राम नाम और कृष्ण नाम है, किंतु यदि अभ्यास नहीं किया कहाँ से आ जाएगा, जैसे अभी बताया ना है, उस व्यक्ति के चार बेटा के एक बेटा के नाम रखा राम, बड़े बेटा के, और तीन बेटा के नाम रखा हाकू बाकू है, हाकू बाकू डाकू नाम रखा, हाकू बाकू नाम बोल रहे हैं और बड़े बेटा के नाम बोल नहीं पा रहे हैं, इतना छोटा सा, सभी के नाम बोलते जा रहे हैं है,
और अपने जो बड़े बेटा के नाम आ गया, राम नाम आ गया, तो मतलब मैं इतने बोल नहीं सकते। देखो इतना शब्द बोल रहे हैं और दो अक्षर राम नाम बोल नहीं पा रहे है। इसलिए एक जन्म भजन करो है, ठीक है। घर संसार में रहें है, घर संसार में रह करके क्या करो, भजन करो है। एक घर में दो भाई था है, बड़े भाई जो है संत महात्मा का आदर करते थे और छोटे भाई बिल्कुल नास्तिक था है? किसी किसी घर में होता है ना, एक भाई भगवत भजन करता है और दूसरी भाई संत महात्मा देखते ही बस भैंसे के भांति गुस्सा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? किसी किसी घर में देखना किसी किसी घर में हम भी देखते जाते हैं है? तो उसके बड़े भाई संत महात्मा के आदर करते थे है? और छोटे भाई घर में बस संत महात्मा आए घर में ताला बंद करके टीवी देखना शुरू करते हैं, बोले कथा भी सुनेंगे नहीं है, टीवी के ऐसे जोर साउंड लगा दी है कि संत महात्मा के धन ही उसके पास न पहुंच न जाए है। इसलिए वो ऐसे करें, चलो कथा समाप्त हो गया, संत महात्मा भगवत कथा बोला है, नारद ऋषि ये कथा सुनाया। नारद ऋषि का नाम सुना कि नहीं? क्या नारद ऋषि कथा सुना? नारद ऋषि भी अपने जीवन चरित्र सुनाया, व्यासदेव के कहने के वेश, मैं पूर्व जन्म में है एक दासी पुत्र था है, और बचपन में मेरा पिताजी देहांतर हो गए, पिताजी चले गए मारा गए, इसलिए मेरे माँ मुझे पालन पोषण करने लगे। जब मैं 5 साल के था है, एक दिन ये चातुर्मास्य के समय है, 4 महीने होते ना, अभी 4 महीने बीत गया, ये चातुर्मास्य के समय कुछ संत महात्मा मेरे गांव के सन्निकट में आ गए। संत महात्मा वहीं पर रह करके भजन करने लगे और संत महात्मा शाम के समय हरि कथा बोलते थे। मेरे माँ नित्य प्रत्यह शाम के समय संत महात्मा के पास जाते थे, हरि कथा सुनते थे है? संत महात्मा जहाँ पर बैठते थे वहीं पर थोड़ा झाड़ू लगा देते थे और मैं हर रोज माँ के साथ में जाते। उस समय मेरे कितना उम्र था? 5 साल था है? और मैं भी संत महात्मा कहीं जो कमंडूल है ना, आचमन के पत्र जो है उसको साफ कर देता था। संत महात्मा जब प्रसाद पाते थे और उनके लिए पत्तल आदि में बिछा देता था, पत्तल लगा देते थे, छोटा बच्चा क्या करे है। संत महात्मा मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्यों? अच्छा, संत महात्मा प्रसन्न किससे होता है बताओ? क्या सेवा करने संत महात्मा प्रसन्न होता है जानते हो? हरि कथा श्रवण सुनने से है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से निकट कैसे प्रसन्न हो गया? बोले कथा सुने। यदि कथा नहीं सुना है संत महात्मा प्रसन्न नहीं होते है। अच्छे तरफ से रसोई करके बना के संत महात्मा के खिला दो है, वो साधु नहीं होता है, साधु होता है वो। एक साधु होता है और एक स्वादु होता है। साधु जो होते हैं वो देखते हैं जो मेरा कथा कोड सुनता है, है जो कथा नहीं सुनते हैं उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, बोले बेकार आदमी है। आ समझ में? क्यों संत महात्मा इतने दूर से किस ले आते हैं खाने के लिए? संत महात्मा के खाने की कोई कमी है क्या है? अरे ब्रज जैसे भूमि है, ब्रज में स्वयं राधा जी भी संत महात्मा खिलाने के लिए चलते रहते हैं, हमारे रूप सनातन भजन कर रहे थे और स्वयं राधा जी उनके लिए क्या बनाए? खीर बना दे, देखो है, खाने की कमी नहीं है, है? ब्रज में जाओ इतने आपको खाने मिलेगा, क्या बताइए आपको? खाने की कमी नहीं है, कोई खाने के लिए आते नहीं, सबको खाना मिलता है। गाय की भी घूम रहे खा रहे है, यहाँ आते हैं ना, देखो गाय वहीं पर है, लोग घास लेकर के बैठा हुआ है, कोई आएगा उसको खरीद करके दे दे है कि नहीं? वो
देखते हैं उधर है बोध है। खाने किसी के खाने की कम नहीं, भगवान ने जो भी उधर दे दिया, पेड़ दे दिया, और पेड़ देने के साथ ही साथ भगवान क्या की, खाने की व्यवस्था कर दी है। हमारे जन्म लेने के पहले ही माँ ने, भगवान ने क्या की, माँ के सन में दूध भेज दिया, दिया कि नहीं दिया है। तो खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं अपने जीवन चरित कर रहे हैं, ये संत महात्मा मेरे पर इसलिए प्रसन्न हो गए, मैं अत्यंत निविष्ट होकर के एकाग्र होकर के मैं श्रवण करता था, हरि कथा श्रवण करता था, इसलिए संत महात्मा ने मुझे भी मंत्र भी दे दिया। क्या मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते करी करी 4 महीने बीत गए, और हर रोज मेरे संत महात्मा में प्रीति हो गया है। छोटा बालक है, 4-5 साल की बालक है, मैं चाहता था संत महात्मा के पास रहूं है, किंतु मेरे माँ शाम होने के साथ ही साथ मुझे पकड़ करके ले जाते, मैं रोता था है, मैं रोता था, मैं संत महात्मा के साथ रहूं है। छोटा बालक है ना, जहाँ पर आदर है, स्नेह है, प्रीति है, वह रहना चाहते हैं, किंतु उनके माँ जबरदस्ती करके पकड़ करके ले जाता था है। नारद ऋषि हर रोज भगवान के प्रार्थना करते थे, ये मेरे माँ संत महात्मा के साथ रहने नहीं दे रहे। भगवान एक दिन कथा सुन लिया है, एक दिन शाम के समय सूर्य अस्त हो गया है, उस समय नारद ऋषि कहने, मेरे माँ गोदहन कर दूध काट रही थी, और इतने समय पीछे से आकर के एक काले सांप डांस दिया, और मेरे माँ लुढ़क गई, लुढ़क गई समझते हो, मेरे माँ मर गई। बोले मैं आनंद हो गया, माँ मर गई, नारद ऋषि कह रहे मैं आनंदित हो गया, क्यों ना आज से कोई मुझे रोकेगा नहीं है, मैं सदा सर्वदा संत महात्मा जहाँ पर विराजमान होते हैं मैं पर चले जाते। देखो नारद ऋषि उसी समय 5 साल के बालक नारद ऋषि करें, मैं घर छोड़ करके जहाँ जहाँ संत महात्मा विराजमान होते थे है? है? अरे फोन रख दो, बाद में करना है। हाँ सत्संग में हरी कथा सुनो, जो फोन में आ जाए ना उसके लगा दो, बोले ये हरी कथा सुनो, उसके भी कल्याण हो जाएगा। नारद ऋषि कहने लगे जहाँ जहाँ सब संत महात्मा रहते थे मैं वहीं पर भ्रमण करता था है? और अंत काल में मंत्र सिद्धि करके मैं साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर गए। मेरे इसलिए कह रहे हैं संत महात्मा प्रसन्न किससे होते हैं, हरि कथा श्रवण से। तो हमें मैं जो कथा सुना उसके दो भाई था, बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई थे तो संत महात्मा की प्रीति रखते थे, किंतु छोटे भाई बिल्कुल अपोजिट है, सुनता नहीं था वो, सुनता तो बहुत दूर की बात है, संत महात्मा घर में आने से ही वो है टीवी चला देते थे घर में, और टीवी चला करके सुनता था, कहीं संत महात्मा के धनी उसके कान में ना पड़ जाए। कुछ लोग होते हैं ना बोले सुनेंगे नहीं है, संत महात्मा के वाणी सुनेंगे नहीं, उद्धार होना नहीं चाहते हो, चलो ऐसे तो चलेगी, किंतु संत महात्मा हृदय कैसे, संत महात्मा हृदय कैसे, हृदय संत हृदय नवनीत समाना, संत महात्मा हृदय कैसे, मक्खन के भांति। तुलसीदास जी कहते हैं भाई मक्खन जो है हाथ में उठाओ तो हाथ के ताप से, उंगली के ताप से मक्खन पिघल जाता है, किंतु संत महात्मा दूसरे के दुख देखते ही पिघल जाता है। यह दुख कैसे दुर्भाग्य है, अनंत करोड़ जीवन संसार में भ्रमण कर रहे हैं, ये जन्म नहीं है, कितने जन्म पार करके आप आए हैं गधे होकर के है, जब जिस दिन आपको पता ही नहीं है कितने जन्म आपसे चले हैं, सुकर मुकर कुकर है, गधे होकर के जन्म लिया, कितने पिटाई किया है, भले गाय पालते थोड़े खाने चारा देते हैं, गधा के कोई खिलाते हैं,
अच्छा उधार जो घास जो बेचते हैं ना, घास खरीद करके लोग गाय को खिलाते हैं, गधा को भी खिलाते हैं कि देखा कभी? कोई गधा के जो खिलाते नहीं देखा है। तो ऐसे गधे होकर के मैं जन्म लिया है। गधे के जो मालिक जो है उसको सारा दिन काम कराते हैं और शाम के समय लात मार करके भगा देते हैं, बाजार में जाओ है चर के आओ, बाजार में जो कागज फागज जो है पड़ा रहता है ना है, इधर उधर खा करके फिर आ जाते हैं। फिर सुबह गधे के मालिक उसके ऊपर सारे सामान लाद करके ले जाते हैं, गधे के कोई खिलाते। देखो हम लोग के जीवन ऐसे भी चले, कितने गधे होकर के जन्म लिया है आपके पता नहीं है। आप थोड़ा अंतर्दृष्टि से देखो तो आपको दिखाई पड़ेगा है, दिखाई पड़ेगा कितने जन्म आप गधे होकर के, शुकर होकर के, कुकर होकर के है, गाय भैंस होकर के, पशु जन्म है, शेर होकर के, ऐसे ऐसे कैसे जन्म ले चले है। आप अपने को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए देख नहीं पा रहे, थोड़ा अंतर्दृष्टि से देखो है, हाँ सुन अंतर्दृष्टि से देखो तो आपके सब कुछ दिखाई पड़ेगा है। तो संत महात्मा देखा ये से कैसे मूर्ख है, मैं इनके घर में आया हूं कल्याण करने के लिए, किंतु ये बेटा टीवी चला करके बस अंदर में बैठा और भी लगा दिया, खिड़की लगा दी अंदर, कहीं संत महात्मा घर में घुस ना जाए। कुंडी है, कुंडी लगा दी। चलो कथा तो हो गया, सब लोग प्रसाद पा करके, महाप्रसाद पा करके सब चले गए। संत महात्मा की दया आई, संत महात्मा विचार करने लगे, देखो इनके घर के परिवार कैसे सब अच्छी है, है इसके माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सब अच्छा है, किंतु ये कैसे पागल कैसे हो गया, इसको भी कल्याण करना है। संत महात्मा सभी के क्या करते हैं, सबके लिए सोचते हैं है? संत महात्मा जाने के समय था, तथापि कहने अच्छा उनके पूछा तुम्हारे और छोटा भाई कहाँ है, बड़े भाई बोले महाराज उसके बारे में बिल्कुल मत पूछो, वो तो कुंडल लगा करके घर में बैठा टीवी देख रहे हैं। संत महात्मा कोई बात नहीं है, अज्ञानी पुरुष अभी करते रहते क्या करें है, जिनके जब तक ज्ञान हो जाए बिनु बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ नहीं, बोले इसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं हुई तो मैं क्या करूं है। पहले देखो भगवान की कृपा हो तब तो कुछ हो सकता है, भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, सकता है आप बताओ, हाथ भी उठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते है। तथापि संत महात्मा विचार करने लगे, चलो जाने के समय थोड़ा इसके पूछ करके जाता हूं, किसी तरफ से उनके दरवाजा खोला है। अच्छा तो संत महात्मा उसके बोले अरे बेटा एक बात तो राम नाम कह दे, वो राम नाम भी नहीं कहे, संत महात्मा उसका हाथ पकड़ लिया, अरे बोल हरे राम बोलो, अरे राम तो बोलो, वो भी राम नाम नहीं बोले, संत महात्मा हाथ पकड़े चलो नहीं बोले, बोले संत महात्मा के संत महात्मा केवल उसके हाथ पकड़ कर गई बोले राम नाम बोलो, वो भी बोले ही नहीं है चले गए। कुछ समय के बाद उसके छोटा भाई मर गया। मरने के बाद सबको कहाँ जाना पड़ेगा जानते हैं, सबको जम लोग जाना पड़ेगा, जाना तुझको पड़ेगा, जम लोग में जाना ही पड़ेगा है। वह पर चित्रगुप्त सारे आपकी हिस्ट्री दिखाएंगे है, कितना पैसा कमाया और कितने पैसा खर्च किया, मैंने जमा खर्च मैंने पाप और पुण्य सबके होगा, ऐसे मत छोड़ो, छोड़ेंगे नहीं किसी के है। जब महाराज ने पूछा इसके देखाओ चित्रगुप्त बताओ ये जीवन में कौन सा क्या किया, पाप किया पुण्य किया, चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये जीवन में कभी तो पुण्य किया ही नहीं, कोई संत महात्मा किसके एक काना कोड़ी दान दक्षिणा भी नहीं दिया
है। कुछ लोग होते हैं संत महंत के पैसा भी वो हड़प कर लेते हैं, देना तो वो दूर की बात है, वो क्या करते हैं हड़प लेते हैं, बोले कौन देख रहे हैं, हैं? बोले दान दिया उसके दिया हमें दिया उसे क्या होता है, कोई से क्या होता है, पाप है थोड़ी ना, जम है ना भूत है ना पिशाच है, बेकार की बात सब। कुछ नास्तिक जो होते हैं विश्वास नहीं करते, किंतु विश्वास करो अथवा नहीं करो भाई है फल तो तुम्हें मिलेगा है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है गीता में भगवान का चित्रगुप्त महाराज चित्रगुप्त करे चित्रगुप्त कहने लगे महाराज जब महाराज ये दुष्ट व्यक्ति है, जीवन में कोई तो पुण्य किया ही नहीं, केवल पाप पाप ही किया, शराब पीना से शराब पिया और जितने भी गंदी कर्म सब कुछ कर लिया, इसके अनंत काल के लिए इसके नरक में भेजा जाए है। इसके सुनकर के जम महाराज के हृदय द्रवीभूत हो गया। जम महाराज बोले अच्छा देखो तो रिवाइज करो इसके पेन पन्ना को है, दोबारा देखो कोई कुछ किया कि नहीं जीवन में, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, बोले नहीं ये कुछ नहीं किया। तो चित्रगुप्त एक जगह में इतना ही लिख करके रखा था, कोई संत महात्मा आए थे केवल उसके हाथ पकड़ कर रखा था है, संत महात्मा ने किया कि उसको हाथ पकड़ लिया था, बोले हाथ पकड़ना हाँ, बोले संत महात्मा हाथ पकड़ना यही पुण्य हो जाता है, है? संत महात्मा के हृदय में कौन रहता है, है? भगवान संत हृदय गोविंद विश्राम है क्या नवनीत जैसा होता है, नहीं नवनीत बात नहीं रे, संत महात्मा के हृदय में भगवान विराज में ना है? भगवान कहाँ रहते हैं, संत महात्मा के हृदय में रहता है। चलो कम से कम ये तो कुछ पुण्य तो हो गया, तो उसके बोला ए तुम्हें थोड़ी सी पुण्य हुआ, क्यों संत महात्मा केवल तुम्हें हाथ स्पर्श किया है ये तुम्हें पुण्य मिल गया, इस पुण्य के फलस्वरूप 24 मिनट के लिए तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा और अनंत काल के लिए नरक जाना पड़ेगा। तुम बताओ पहले क्या कहाँ जाना चाहते हो, वो व्यक्ति विचार करने भाई अनंत काल के लिए तो नरक जाना ही है, 24 मिनट के लिए स्वर्ग देख लेता हूँ कैसे है, बोले मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। जब महाराज दूतों के बोले जाओ उसके स्वर्ग के दरवाजा खोल लिया, ले गए जम दूत बोले ए सुन कान खोल करके सुन अच्छी तरह से, 24 मिनट के लिए तुम्हें स्वर्ग में भेजा जा रहा है, जल्दी आ जाना देखना घड़ी इसलिए है, स्वर्ग के दरवाजा पर घड़ी भी लगा हुआ है देख लेना कितने समय हुआ, बाहर आ जाना। वो अंदर में गए देखा स्वर्गलोक इतने सुंदर था, नंदन कानन अमृत भोजन सब प्रकार के वस्तु देखा, देखते देखते स्वर्गलोक में भी वहाँ एक विष्णु मंदिर है, जैसे इधर मंदिर है ना स्वर्गलोक में भी एक मंदिर है, स्वर्गलोक में कौन सा मंदिर आता है बताओ है सैम बताओ, विष्णु मंदिर अरे भगवान उपेंद्र रहता है वहाँ पर है, इंद्र के छोटे भाई स्वयं भगवान उपेंद्र रूप में विराजमान होते हैं, क्योंकि माँ अदिति ने है उपेंद्र के यही कहा बेटा है तुम यहीं पर रहना है, इसलिए स्वयं भगवान स्वर्गलोक में उपेंद्र रूप में भी वहीं पर जो विष्णु मंदिर है उस ठाकुर जी के नाम है उपेंद्र कहा गया, हमारे बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन किया, वहीं पर विष्णु मंदिर है शंख चक्र गदा पद्मधारी उपेंद्र भगवान विष्णु, किंतु मंदिर में कौन जाए, जहाँ पर इतने भोग सुख है कौन जाए है, आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ पैसा हो जाए मंदिर में थोड़ी जाओगे, आप तो दुबई चले जाओगे घूमने के लिए, कमाने के लिए पैसा ही मन कर, बोले खर्च कैसे करें
है, शाही परिवार के लोग में इतने पैसा है, बोले खर्च कैसे करें, इतिहास बोलो ना है। आज उनके जो टॉयलेट जो होता है ना, उनके पास सोने का होता है, है? गाड़ी जो होते हैं, एक एक गाड़ी कितने करोड़ रुपया का होता है, है? आप कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, और वो लोग कहाँ है, विचार करो, है? आप इतिहास के पढ़ो, देखो, है? मैं संग देख करके आया, इसलिए कह रहा हूँ ना, इतना विशाल विशाल उनके जो है शाही परिवार किसको कहते हैं, है? चलो जिस कथा में तो स्वर्गलोक कितने कैसे होगा ये आप समझ लीजिए, है? गुरुदेव एक बार कह रहे थे, ये मैं ओ साहब कहाँ, हवाई में, अमेरिका है ना, हवाई जो द्वीप, हवाई में था, भक्त लोग कहने लगे महाराज गुरुदेव चले आपके ये दिखाते हैं कि वो मछली, क्या मछली, डॉल्फिन, नहीं डॉल्फिन का देना, ये बड़ा बड़ा जो मछली वेल है। तो गुरुदेव, गुरुदेव के वो नाव में उनका अपना स्पीड बोट है, तो बहुत धनी व्यक्ति थे, तो वो ले करके गए, बोले गुरुदेव बोले इतना विशाल मछली है, जब वो पानी से ऐसे उड़ते हैं, है बैल मछली ना, पानी को ऐसे उछाल करके कम से कम कितने फुट ऊपर उड़ जाते हैं, तब भी उसको जब पूछ जो है पानी में लगा रहता है। गुरुदेव एक बार वर्णन कर रहे थे, है बोले हम तो शास्त्र में पढ़ा, मत्स्य अवतार की कथा सुना, केवल शास्त्र में जाइए, मत्स्य अवतार है ना, भगवान मछली रूप धारण करे, मीन अवतार जी कहते हैं, आशे न है, केश बधृत मीन शरीर जय जगदीश है। किंतु वास्तव रूप में देखा इतने बड़े बड़े मछलियां है, आपने कितना बड़ा मछली देखा बताओ, है, है? किंतु देखो गुरुदेव ने कहा हम तो देखा ही नहीं है, हम मछले भी जाते उधर बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, दिखा नहीं पड़ता है, इतने बड़े बड़े होता है, तो मत्स्य भगवान कैसे होता है, मेरे कहने की यही तात्पर्य है, किसलिए कह रहा था, ये उपेंद्र जो भगवान जो रहते हैं स्वर्गलोक में इतने सुख है, है? वो शाही परिवार के तो उसके पास कुछ ही नहीं है बिल्कुल, है? जो मैं जो आपके लिए बहुत बखान कर रहा हूँ, शाही परिवार इतने इतने बड़े ऊंचे है, है? गोल्ड है, खाना पीना कैसे 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 बनाने, स्वर्गलोक में जाओ तो उसे उसे तुच्छ माना जाए, है? आ समझ में? अच्छा तो छोटे भाई जो गया देखा तो मंदिर तो है, उपेंद्र तो मंदिर है भगवान के, मंदिर में कोई नहीं है, है? कोई एक पुजारी बस, है? वो भी भागवत पढ़ रहे, अकेला कोई है ही नहीं, है? कोई सुनने वाला है ही नहीं, क्यों सब भोग में ही सब मस्त है, है? नंदन कानन अमृत भजन भोजन अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट है वहाँ पर। तो वहाँ पर छोटे भाई के वहाँ पर बैठ गए जहाँ पर भागवत कथा हो रही थी, है? और वहाँ पर वही वक्ता जो भागवत पाठ कर रहे थे उसमें एक शब्द उसमें आ गया, ये जहाँ पर भागवत कथा होती है जम तो दुर्गा जम के बाप तक नहीं आएगा, उसका आनंद आ गया, बोले यहाँ पर बैठे ही रहूँ, जाने के क्या जरूरत है, बैठे रहे एक घड़ी दो घड़ी चार घड़ी हो गया, निकले ही नहीं, जब कथा समाप्त हो गया स्वर्ग के दरवाजे के बाहर आ गया, बाहर आ जाने के साथ ही साथ जमदूत ने उसके पकड़ा, उसके बहुत शासन करने लगे, मार गए, इनको 24 मिनट के लिए भेजा था और तुमने इतने समय लगा दी। जब महाराज के पास लेकर के आया, जब महाराज ने पूछा बेटा तुमको तो मैंने कहा था 24 मिनट के लिए स्वर्ग में जाने के लिए, तुम इतने समय से कहाँ रहा, उन्होंने कहा स्वर्ग में गया और एक भागवत कथा हो रही थी मैं सुन लिया। जब महाराज ने कहा भागवत सुन लिया ना, वो बहुत चालाक था, कहने लगे महाराज ये बताइए भागवत सुनने के फल क्या है, आप लोग ने भागवत सुना कि नहीं है ना,
है, 7 दिन किसने सुनी, हाथ उठाओ, है सुनाई नहीं आप लोग ने, भागवत सुनने चाहिए है, कम से कम एक दिन तो सुनो, 7 दिन सुनना तो अच्छा ही है, है? क्या क्या भाग्य, क्या भाग्य में लिखा हो तो सुनने को मिलता है। अरे भाग्य में आपने लिखा है जो सब कुछ, सुनो भाग्य में है तो खाना, नहीं तो मत खाना बेटा, नहीं नहीं तो। नहीं नहीं सुनना चाहिए भैया, सुनना चाहिए, टाइम निकाल के चाहिए, टाइम निकाल करके आ जाओ, है जरूरी है। हाँ जब महाराज जब आएंगे तब कहेंगे मेरा थे काम हो जाए, टाइम निकाल के जाओ। यही तो लोग कहते हैं मेरे भाग में है, मैं जाऊं नहीं जाऊं, बुलाएंगे तो हाँ आना चाहिए सबको, सबको बोलो भाई कथा में आ जाओ, है आज 2 दिन तो रह गया, आज के दिन आप हाँ। सुनो तो जम महाराज बोले, वो बहुचाद बोले, बोले भागवत सुनने की फल मुझे बताइए। जम महाराज बोले मैं तो ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास जाए, सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते ना, ब्रह्मा जी बोले मैं भी बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो स्वयं भगवान नारायण नारायण से चतुर्श्लोक की भागवत सुन लिया, किंतु भागवत सुनने के फल हम भी बता नहीं पाएंगे, दूसरी की बात छोड़ दीजिए। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत सुनने की फल क्या है हम बता नहीं पाएंगे, कहाँ जाए बोले चलो कैलाश में जाओ, शिव जी के पास, शिव जी के पास आगे, ये शिव जी सदा सर्व भागवत बोलती है ना, भागवत प्रतिवित भागवत वक्ता कौन है, शिव जी है, शिव जी के पास आ गए, शिव जी बोले हम भी फल नहीं बता सकते, बोले किस कौन बोलेंगे, बोले स्वयं भगवान नारायण बोलेंगे, चलो वो व्यक्ति चला गया, बोले तुम लोग तो मुझे सुबह से लेकर के अभी तक घुमा रहे हो हम जा नहीं सकते। तब शिव जी ब्रह्मा जी बोले तुम नहीं जाओ तो भगवान कैसे बोलेंगे, तो उस समय सभी लोग बोले एक काम करो तुम्हारे लिए एक पालकी बना देते है, उसके लिए के सुंदर के पलकी बना दी और वो आराम से लेटे रहे, कुछ देवता लोग उसके काम में लेकर चलने लगे, फिर बोले मुझे गर्म लग रहे, गर्मी लग रहा हवा करो है, आराम से बैठे। देखो स्वर्ग लोग एक क्या बोले वैकुंठ के दरवाजे जब आए स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी मेरे प्रसादी माला ले करके आ, बोले कौन आ रहे, मेरे परम भक्त आ रहे, मेरे परम भक्त आ रहे, संग भगवान विष्णु ने अपने प्रसादी माला है, ये जो प्रसादी माला ना ये साधारण नहीं है, है एक बात नारद ऋषि भगवान की प्रसादी माला इंद्र के दे दिया, इंद्र मूर्ख था वो भगवान के प्रसादी माला को समझ नहीं पाया है, और उन्होंने ये प्रसादी माला के इंद्र ने किया कि अपने ऐरावत की माने हाथी के ऊपर दे दिया, और हाथी ने सूंड़ों के द्वारा किया कि नीचे गिरा करके कुचल दिया है, इसी अपराध हो गया, इंद्र राज्यच्युत हो गया है, हाँ समझ में। देखो ये भगवत प्रसाद जो है ये साधारण नहीं है, है कभी कभी भक्त लोग भी देखते हैं उसे माला दे देते नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो कहते मुझे नहीं, दोनों गहरे फाड़ देते हैं फिर फेंक देते हैं, किंतु उनके गति क्या होगा है, मूर्ख है, अरे प्रसाद ही मिला महाप्रसाद, अच्छा यदि उसके लिए लड्डू कचूड़ी दिया जाए बहुत मिठास है, खर्चून है वृंदावन मथुरा के यह सबसे स्वादिष्ट मिठास क्या है, तो वो कहते हैं वो फेंकेंगे नहीं, तो उस समय मुझे नहीं चाहिए उनसे नहीं प्रसाद, वो खा ली आज ये प्रसाद, ये तो सोचते ये तो माला है क्या है, किंतु मूर्ख जानते नहीं है इसमें शक्ति भगवान की शक्ति है, भागवत में कहा गया है ये भगवत प्रदत्त जो माला जो भगवत प्रसाद जो माला है भगवान के भांति ही उसमें शक्ति रहता है, तो भुक्तम है भगवान के उच्छिष्ट जो प्रसाद जो है उसमें ही भगवान की भांति शक्ति रहता है, हाँ समझे, ये कोई साधारण नहीं है, है?
क्यों? भगवान के जब देते हैं भगवान उसके प्रसाद उनकी सारी शक्ति संचार कर देते हैं। है? एक लोहे के यदि चुंबक में स्पर्श करा दिया जाए और लोहे में चुंबक की शक्ति आ जाती है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवत भगवान में जो अर्पित हो जाता है वो भगवान की शक्ति उसमें आ जाता है। चलो वो व्यक्ति जो था छोटा भाई जो था मैं बताया है, वो भगवान देखो स्वयं भगवान उसके क्या की अंदर में ले गए, वैकुंठ धाम में ले गए, सब बैठे जितने भी देवता लोग थे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी सब जी गणेश जी सब जी हैं। कितने जी आप जानते हो? 4G 5G परले जी हैं सब जी, जितने भी देव देवियां सब पहुंच गए वैकुंठ। वो वैकुंठ था कौन सा वैकुंठ बताओ? रमाप्रिय वैकुंठ है। आ समझे, ये जो सप्तलोक के नीचे होता है एक वैकुंठ, संग भगवान ने एक वैकुंठ बनाया उसके कहा जाता है रमाप्रिय वैकुंठ। उस रमाप्रिय वैकुंठ में कभी कभी संग भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं पर विराजमान होते हैं है? उसी रमाप्रिय वैकुंठ में पहुंचे। सब देवता लोग पूछने लगे ये व्यक्ति भागवत सुन लिया इसके फल क्या बताइए? तो भगवान कहने लगे भागवत सुनने के फल यह, बोले क्या? मेरे धाम में आ गया। भगवत कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से क्या हो जाता है? भगवत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के जैसे खनार्ध ओ भी सत्संग सेवधि निनम, भागवत में वर्णन एकादश स्कंद में वर्णन है अतो अत्यंत क्षेम पृच्छामो भवतो अनोघा, खनार्ध ओ भी सत्संग सेवधि निनम। हे राजन क्षण काल अत्यंत चाइनीज टर्म है एक लव, लव किसको कहते? एक लव यदि सत्संग करे हरि कथा श्रवण करे वो कितना फल प्राप्त हो जाता है, है? खनार्ध वो भी सत्संग सेवधि निनम है, एक सेकंड के 11 भाग के है एक भाग है उसकी लव कहा जाता है। इतने समय कोई सत्संग में बैठ जाए है उसके फल कितना हो सकता है? कौन वर्णन कर सकता? इसलिए खनार्धो भी सत्संग सेवधि निर्णाम, हे राजन क्षणकाल को ये सत्संग में बैठे और भगवत कथा श्रवण कर ले, एक शब्द सुन लिया बस है आपके जीवन पार हो जाए है। और यदि कोई तन मन जीवन एकांत होकर के एकांतिक होकर के भगवत कथा सुने उसके क्या फल होगा बताओ? है इसलिए सत्संग करना चाहिए। इसलिए कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्री कय लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। लवकाल है, लवकाल बताए ना एक सेकंड के 11 भाग के एक, उतने समय जित सत्संग करें है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा।